डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे कबला होने वाला है। क्यों ऐसा ही होता है? क्यों बड़े टीमों के साथ यार बाहर को लगभग एक घंटे हो गए अभी से ही विवाद नहीं सुलझा है। क्या हो रही है? एक घंटे हो गए ऐसा होता कभी? बताओ जरा खेली नहीं रखा भाई सच्चाई बात है। श्रवण नौटियाल लगातार भेड़ रिया यहाँ पे लगा चुके हैं। तो चलिए जी बहुत दिनों बाद भानु भाई के दर्शन हो गया। सर कैसे हो? जय बद्री साल, जय वशी बद्री। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की एक सुंदर सी खूबसूरत लोकेशन ओली से। सुबह के 9 बज रहे हैं और आज मेरी तैयारी हो चुकी है फिर से। सबसे पहले यहाँ से मार्केट ये लैपटॉप पहुँचाना है, फिर वहाँ से आज मेरा सेमीफाइनल मैच है रिंगी, तो फटाफट निकलते हैं। पहला मैच है और आज ही दोनों सेमीफाइनल मैच होने हैं, तो भाई निकलते हैं सीधे। बाकी सुबह सुबह का टाइम है। बट जी प्रीतम अनुज देव भैया सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। क्यों मुँह लटकाया तूने? ऐसे ये बड़ी चिंता है सर, तुझे क्या हुआ? फिजिकल नहीं हुआ यार, कैंसिल हो गया वो। चलो देव भैया गुड मॉर्निंग। बाकी दोस्तों भूपेश सर वाली वीडियो पे आप लोगों ने बहुत प्यार और सपोर्ट दिया है, तो ऐसे ही सपोर्ट देते रहे ताकि हर टाइम आपके लिए नया नया कंटेंट ला सकें। तो फिलहाल यहाँ से निकल चुका हूँ जोशीमठ की ओर, और मैंने बताया जोशीमठ से मुझे फिर जाना है सेमीफाइनल मैच खेलने। तो सुबह सुबह का टाइम है भैया, अभी धूप ठीक से इन जंगलों के बीच में आई भी नहीं है। कल हम जोशीमठ लगभग 5 बजे पहुँच गए थे, उसके बाद से लगा लो सीधा अंधेरा होकर और भी पहुँचे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत जोशीमठ में काम था इस वजह से वीडियो एंड भी नहीं कर पाए ठीक से। तो चलो कोई नहीं, फिलहाल निकल पड़ते। बाकी एक सामान है सोनू भाई का मोल्टा से, तो मेरे पास यहाँ से बिजू ने भेजा है, उसे भी देना है। और सोनू भाई फोन पे फोन करे हुए हैं पीछे से, तो ब्लॉगिंग फिलहाल थोड़ा रोक देते हैं, सीधे निकलते हैं क्योंकि सोनू भाई बहुत देर से वेट कर रहा है, तो फटाफट उसका सामान उसके पास पहुँचा देते हैं। तो चलिए सोनू भाई मिल गए और ये इनके कपड़े, अब चलते हैं हम सीधे मैच खेलने। ओके भाई ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। ठीक है अब वीडियो कब दे रहे? मैं भेज दूंगा आज। ठीक है ओके ठीक है ओके, आराम से जाना, मैच खेलने जाओ, हम भी चलते हैं पाणा ही रानी। ठीक है ओके सर। तो चलिए जी बहुत दिनों बाद भानु भाई के दर्शन हो गए। सर कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। चलो मैच देखने आज चलो मैच देखने। प्रणाम दौड़े बहुत दिनों बाद अपने छोटे से मार्केट कपूगंज में। यहाँ देख लो सामने का नजारा, अभी धूप भी नहीं आई, इतने जल्दी आ गया मैं आज। तो चलिए हनुमान के परम भक्त पहुंच गए हनुमान जी आप रिंगी। चलो अरे आपको कहीं है ये आज उद्घाटन मैच। चलो ठीक है मिलते हैं। बाकी कमलेश भाई बहुत दिनों बाद वीडियो में, चलिए मेरे साथ ज्वाइन नहीं करेंगे? अरे यार उस दिन कब वहाँ का? तो मैं तो खुद वहाँ वो कर रहा था, ये उसके पास था क्या नाम? हाँ चल ठीक चला चल। यहाँ से कमलेश भाई चलेंगे मेरे साथ। नहीं चलेंगे कमलेश भाई, कमलेश भाई क्यों नहीं? चल भाई मैं ग्लव्स दे रहा हूँ ले। चलिए जी फाइनली पहुंच चुके हैं रिंगी गांव में, और यहाँ से नीचे है मैदान। बाकी आज आज जीतना है जीतना है। हाँ बिल्कुल, पहली बार सेमीफाइनल नहीं दूसरी बार पहुंच गया है, तो भाई आज जीत गए ना। तो क्योंकि गांव की टीम से लगातार लगभग 12-13 सेमीफाइनल खेली मैंने गांव की टीम से, लेकिन फाइनल में कभी नहीं पहुंचे। आज पहुंचेंगे, आज वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे और आज फाइनल में पहुंचेंगे। क्यों आज वो करना है ठीक है। बाकी गाड़ियां अभी आ रही ऊपर से और कुछ लोग पहुंच गए यहाँ पे। चलिए पहुंच गए टीम, पहुंच
गया अभी। आप लोग सोच रहे मैं उल्टा क्यों पलट रहा, क्योंकि सूरज की रोशनी पड़े मेरे मुंह पे, ठीक इससे ना वीडियो ठीक से दिखाई नहीं। कैमरा अच्छा बन गया अब, क्यों पहले कैमरा मैन बन गया, अब अच्छा। अगर आपकी ऐसी आपकी वो सपोर्ट रहेगा तो GoPro से लेकर अच्छे अच्छे कैमरा आएंगे और आपको अच्छी वीडियो मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सब पहुँच गया आज पूरा गाँव। बहुत दिनों बाद आज कुलदीप है मेरे साथ। बहुत दिन नहीं, परमानेंट है हम। नहीं मेरे साथ बोल रहा हूँ, मैच के लिए नहीं बोल रहा। अच्छा। मैच खेल देखने तो परमानेंट आ रहे लेकिन खेल ही नहीं रहे, क्या करें, जो कोई नहीं है ना वैकेंसी नहीं है। तो चलो अब ऑल स्टार में चले गए हैं। हाँ तो वहाँ जाएंगे ना, बंग्योल जाएंगे। ठीक है, बंग्योल दो टीम जा रही है, तीन हो गया। अब एक ऑल स्टार भी तो जाएगा। हाँ वो भी सही, चलो ऑल स्टार में नंबर आ गया मतलब। हाँ यार प्रमोद भाई की जय हो, बढ़िया था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बोल रहे हैं ना, पहले बल्लेबाजी करेंगे हम लोग, बाकी उत्तराखंड वासी भी पहुंच गया। हेलो सर, कैसे हो? ये लो सारे पहुंच गए अभी, ठीक हो? वासी भी अभी पहुंच गए। क्यों मांग साहब रन जीना, बस अपनी रणनीति को विजय प्राप्त की ओर ले जाते हुए टूर्नामेंट शुरू है। अंदर सिंह अंपायर को पार किया, धीरे धीरे खत्म होते और धीरे गेंद से बैट्समैन समझ ना पाए। घबरे के खेलने के लिए, फूल के खेलो ना यार, घबराने के लिए क्या करेंगे। ओवर और ओवर की समाप्ति और एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर अभी भी 2 रन और एक विकेट के नुकसान पे अभी भी शिवा एकादश तैयार। गोलू हल्के हल्के कदमों से तैयार, गोलू और लंबाई लगाना चाहते थे। भैया जी और भी पहुंच गए, पहुंच गए, बाकी दूसरी टीम भी पहुंच गई है। तो आज का दूसरा सेमीफाइनल के कैप्टन ये रहे भैया जी के क्यार के, और दूसरा है एंजॉय। चलिए दोस्तों पहला सेमीफाइनल समाप्त और ये लोग जीत गए, इन्होंने हमको धोखे में रखा। तो भाई पहला सेमीफाइनल जीत गए रिंगी, और हमारे साथ था जो कि अब दूसरा होगा KKR वर्सेस एंजॉय के बीच, थोड़ी देर में वो भी शुरू हो जाएगा। फिलहाल डिस्कशन चल रहा है इनका यहाँ पे, क्योंकि शायद ज़्यादा प्लेयर हो गए, और इस भाई ने ना कमलेश के लेंथ भी गाड़ दी। यहाँ ना जरा, यहाँ तो कमलेश की लेंथ भी गाड़ दिया इसने, एक ही ओवर में 28 मारे। चलो कोई नहीं, हम तो हार गए, बगल पड़ोसी गाँव में जीता। इसके बाद दूसरा मैच स्टार्ट होने वाला है, प्लेयर ज़्यादा हो गए यहाँ तो। देखो जरा जब भेर में तो खिलाड़ी नो ही नहीं आल फिर। ऐसे ही होता है क्यों बड़े टीमों के साथ? यार बाहर कर दो, दोनों टीम को बाहर कर दो यार। आप कहाँ से आए मैच खेलने? मैं तो हॉली से आया ना। कितनी बॉल खेली? सर 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 ठीक हो, खाली गबला कर रहे यार ये। चीज अब करो शुरुआत, गाँव का मैच यार, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सब इसने उनकी वजह से हुआ ये। अरे फटाफट शुरू कराओ ना मैच यार, कमेटी यार है। ये डिसीजन पता नहीं कब तक आएगा, अभी भी देख जा रही है अभी दोनों टीमों की, अभी भी निर्णय नहीं आया भाई। जो फेर कर हम भी वही बोल रहे भाई। चलो फाइनली थोड़ी सी राहत, लगभग एक घंटे हो गए अभी से ही विवाद नहीं सुलझा है, क्या हो रही है? एक घंटे हो गए, ऐसा होता कभी? बताओ जरा है, इसने खेल ही नहीं रखा भाई, सच्चाई बात है। हैं क्या होगा, होगा क्या? तब तुम्हारा और हमारा होगा क्वार्टर है, क्या होगा? तो हम तो सेमीफाइनल जीत गए, क्वार्टर फिर खेलेंगे। हम क्वार्टर में फिर हुए ना, तुम हम क्वार्टर एक बार बोलो, इसने खेली हमारा गन से बोल। हो गया हो गया, 11 हुई है, ये 15 में भी 11 में। तो भाई ये टीम नहीं मानने वाली, क्या होगा बताओ जरा? खोने का यहां क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, ये ऐसे क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है। अरे वो तो है ना, जब खेलेंगे तभी तो अनिश्चितता होगा, खेल खेल ही नहीं रही है। चलिए बहुत देर बाद ये मसला सुलझ जी अब। चलो बढ़िया,
KKR फील्डिंग तैयार नौजवान यहाँ पे एक आसानी से यहाँ पे दो बल्लेबाज ने और दूसरा भी यहाँ पे आसानी कितनी लंबे इटे लगाते हैं विशाल तैयार दिवाकर और बढ़िया गए हैं तो यहाँ पे कौशल तैयार सावन लंबा इट यहाँ पे हो में गए जरूर बोल रहे बाहर गगन चुप्पी छाता यहाँ पे बोल बॉयज यहाँ पे मनोज नितिन और विवेक कौशल फिर से पट पी गए हैं तो हो में गए बॉन्डी लाइन की तरफ से और पैर का इशारा फिर से तैयार शावन प्रिया गेंद और उतना अच्छा लंबा हिट छह रन फिर और काफी लंबा रन ऑफ हट करके थे एक बार कोराट के लिए इस बार सोर लाइन की गेंद और साढ़े पांच हो रहे हैं और मैं अभी पहुंच गया हूं ओली। तो आज जो दो सेमीफाइनल खेलेगी पहला रिंगी और हमारे बीच तो रिंगी वाले पहुंचे थे फाइनल में तो दूसरा खेलेगा KKR वर्सेस इंजॉय के बीच जिसमें भी मैच एक तरफा हुआ और इंजॉय मैच जीत गई थी तो दोनों टीम पहुंच गई फाइनल में इंजॉय और रिंगी। तो 16 को होगा इनका फाइनल मुकाबला क्या पता 16 को फिर से जाएंगे फाइनल मैच में देखने अब केवल दर्शक बन के जाएंगे। आज तक जो सेमीफाइनल मैच खेल रहे थे उसमें खिलाड़ी के तौर पे गए लेकिन अब फाइनल में दर्शक के